हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के डिब्रू गांव में। फ्रेंड्स, इस घटना का आरंभ ऐसे हुआ था कि एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन पर विकास दुबे नाम के अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें उस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी के बारे में FIR दर्ज कराई। फ्रेंड्स, विकास दुबे वही अपराधी है जिसके जानलेवा मामले के केस दर्ज हैं, ऊपर 60 से भी ज्यादा। फ्रेंड्स, काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश में थी और फ्रेंड्स बीती रात पुलिस को पता चला कि अपराधी इस घर में छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पुलिस कुछ अधिकारियों के साथ अपने काफिले को लेकर उसके घर उसको गिरफ्तार करने गई। विकास दुबे को इस मामले की भनक मिल गई और उसने फ्रेंड्स जैसे ही पुलिस विकास दुबे के घर उसको पकड़ने जा रही थी, रास्ते में एक JCP खड़ी करवा दी, जिससे क्या हुआ कि पुलिस अधिकारियों को अपनी गाड़ी रास्ते में रोककर पैदल सफर करना पड़ा। और फ्रेंड्स, जैसे ही अपराधी विकास दुबे के घर पुलिस वालों ने एंट्री की, एक साजिश रची, ऊपर से बिल्डिंग में विकास दुबे और उसके कुछ साथियों ने फायरिंग करना चालू कर दी। तो फ्रेंड्स, ये प्रकार का अचानक अटैक था जिससे पुलिस वाले समझ नहीं पाए और वो यहाँ वहाँ हलचल करने लगे, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की और इस हादसे में पुलिस वालों की 8 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। और फ्रेंड्स, साथ ही जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी उन पर फायरिंग की, मगर अंधेरा का फायदा उठाते हुए वो लोग पिछली दीवार से कूद कर वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पूरे कानपुर जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया है और फ्रेंड्स अपराधियों के खिलाफ पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपराधियों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें किससे चूक हो गई, क्या पुलिस वालों का कोई खबरी वहां नहीं था जो उनकी जानकारी दी कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की है कि इसमें पुलिस वालों की जान ली जा सके? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या राज है, किसने इतनी भारी मात्रा में AK-40 जैसे एडवांस हथियार उन अपराधियों तक पहुंचाए और कितने समय से वो लोग इनको इकट्ठा कर रहे थे? फ्रेंड्स, पता भी चला है कि जांच में आज सुबह पुलिस वाले जब वहां गए तो अपराधियों की मृत्यु भी हुई और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जो उन्होंने कल रात की फायरिंग में पुलिस से छीन लिया था वो पिस्टल भी उन्हें प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत ही गहरा और सवाल उठाने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपराधी देश में कब तक बचते रहेंगे? दोस्तों, पुलिस वालों ने काफ़ी नाकाबंदी घेराबंदी कर दी है और छानबीन जारी है, जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन अपराधियों की पहचान जल्दी की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।